दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सर्विस के बारे में जिस पे आप सही से वर्क करेंगे तो आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा डिजिटल सेवा पोर्टल पे। यहाँ आने के बाद में आप सर्च कीजिए सर्विसेज पे CSE, तो आपको सेकंड नंबर पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स नाम से एक सर्विस मिल जाती है। तो वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा अगर आप पूरा प्लान जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे वहाँ पे क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पे आ जाते हैं CSEacademy.org। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, लॉगिन पे सेंटर और स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर के लिए आपको लॉगिन कर लेना है, और आपका यहाँ पे लॉगिन जो डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल का आईडी पासवर्ड है उसी से आप लॉगिन कर पाएंगे, और कोई आपको आईडी जनरेट नहीं करनी है। पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको खुद की कुछ डिटेल्स डालनी होती हैं, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये पहली बार डालेंगे। तो उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, देन वीएलई यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। तो इस तरीके से आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कई सारे एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छी कमाई कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने BCC के लिए खुद का रजिस्ट्रेशन किया था, मैंने असेसमेंट कंप्लीट किया और मैं सर्टिफाइड भी हो चुका हूँ। तो इसमें टोटल आपको समय लगता है 3 दिन का। तो कई सारे वीएलईस पे सही तरीके से वर्क करके अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो पूरा प्लान क्या है सबसे पहले समझा देता हूँ। सिंपली आपको इस पे आना है, रजिस्ट्रेशन करना है खुद का, देन यहाँ पे आपको स्टूडेंट ऐड करने हैं BCC के। PMG दिशा पे आप वर्क यहाँ पे मत कीजिए और बाकी सारी सर्विसेज छोड़ दीजिए, मेन फोकस कीजिए BCC पे, बेसिक कंप्यूटर कोर्स पे। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऐड स्टूडेंट फॉर BCC, ऐड स्टूडेंट फॉर AWS एजुकेट, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में व्यू ऑल BCC स्टूडेंट आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, जिसको भी आपको ऐड करना है ऐड पे क्लिक कर दीजिए, देन आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा स्टूडेंट ऐड करने का। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि ये फॉर्म ओपन होता है, देन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से उस फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है। बहुत ही छोटा फॉर्म है, और क्या फी रहेगी उसमें, आपको कितना मिलेगा और स्टूडेंट को कितना देना होगा, और स्टूडेंट कैसे सर्टिफाइड हो सकता है, कैसे एग्जाम देना है, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तब भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म जो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ऐड स्टूडेंट, सबसे पहले उसका नाम डाल देना, जो भी स्टूडेंट आपके पास है उसके पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे बिलो 10, क्लास 10, तो यहाँ पे कोई भी इसके लिए भर सकता है फॉर्म को। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस डाल देना, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे फोटो। तो फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फोटो अपलोड करने के बाद में यहाँ पे जैसे ही इस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे, देन यहाँ पे आपको फी पेमेंट करना होगा, और आपको कमीशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है 180 का। देन यहाँ पे मैं आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में जाके वैलेट दिखा देता हूँ। वैलेट देख सकते हैं यहाँ पे, पासबुक पे मैं गया और यहाँ पे वैलेट लेजर। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो लास्ट मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो देख सकते हैं। तो इसका फी पे आप मत जाइएगा, जो भी आपका कटने वाला है मैं यहाँ पे वो ओरिजिनल शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने ये पासबुक ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला मेरा यहाँ पे 183 का बेसिक कंप्यूटर कोर्स देख सकते हैं यहाँ पे। तो इतना ही कटना है, स्टूडेंट से आप कितना भी ले सकते हैं। देन अभी आपको यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे व्यू ऑल BCC स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने खुद का रजिस्ट्रेशन किया था। यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम, आपको क्या करना है ये यूजर नेम लिख लेना है। बस जैसे ही आप रजिस्टर कर लें स्टूडेंट को, ये यूजर नेम एक कॉपी पे लिख लीजिए या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब ये यूजर नेम जो आईडी रहेगी और जो पासवर्ड है वो ये मोबाइल नंबर रहेगा। अभी आपको अपना सेंटर लॉग आउट कर देना है। यहाँ से जैसे आप लॉग आउट कर देते हैं उसी पेज पे आप चले जाते हैं जहाँ से आपने लॉग इन किया था। अभी आपको अगला स्टेप क्या करना है, लॉग इन पे स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टूडेंट पे क्लिक कर देते हैं तो आपका सेंटर लॉग आउट होना चाहिए। देन आपको जो यहाँ पे यूजर नेम मिला था वो यूजर नेम और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया वहाँ पे, तो उससे यहाँ पे कर देना है लॉगिन। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो आगे मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, तो यहाँ पे असेसमेंट आते हैं आपके सामने। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका यूजर नेम, रजिस्टर्ड आईडी यहाँ पे, और यहाँ पे लॉन्च कोर्स, ये सब कुछ छोड़ देना है आपको। सबसे पहले असेसमेंट कंप्लीट कर लेना है। यदि आप स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉन्च कोर्स पे क्लिक करेंगे तो सारी पढ़ाई करवाएगी 36 आवर्स की, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अभी यहाँ पे मेन फोकस क्या कर रहे हैं वीएली भाई, कि यहाँ पे वो खुद से एग्जाम दे दे रहे हैं और सर्टिफिकेट कस्टमर को मिल जा रहा है, यानी कि वो पैसे दे रहा है और डायरेक्ट सर्टिफिकेट ले रहा है। तो यहाँ पे करना क्या, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, किसी में वेबकैम नहीं चलता है, सिर्फ असेसमेंट कंप्लीट करना होता है। तो असेसमेंट पे आप स्टार्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक असेसमेंट कंप्लीट करना होता है, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके आंसर देने होते हैं। यदि आप उसमें गलत आंसर दे देते हैं तो फिर से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे आपको
बार दोबारा जो है चांस नहीं मिलेगा, तो लगातार चांस मिलता रहता है जब तक आप सारे असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे BCC एग्जाम रिजल्ट देख सकते हैं, ये रिजल्ट एक दिन में या 36 घंटे में आ जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन के 36 आवर्स के अंदर आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 25। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले में 25 में 12 सही किए, फिर 13 सही किए, फिर 11, फिर 13, फिर यहाँ पे 25 में 24 सही हैं, फिर यहाँ पे 10 सही हैं, 25 में 25 सही हैं, और 17 सही हैं। टोटल टोटल जो है 8 असेसमेंट कंप्लीट करने होते हैं। जैसे आप असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं देन यहाँ पे गेट सर्टिफिकेट पे आप क्लिक कर देंगे 36 आवर्स के बाद में। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके सामने भी डाउनलोड हो जाएगा। तो बस इसी सर्टिफिकेट आपको कर देना है प्रिंट और दे देना है कस्टमर को। अब वो सर्टिफाइड BCC स्टूडेंट है तो उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, तो बहुत ही कम पैसे में ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। और सेंटर को लेने के लिए कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सेंटर है और बस आपको स्टूडेंट ऐड करना है। और स्टूडेंट चाहे तो खुद से असेसमेंट दे सकता है या वीएलई चाहे तो खुद से असेसमेंट दे सकता है और सर्टिफिकेट दे सकता है। तो ऐसे ही गेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन फिलहाल के लिए वेट करते हैं जब तक के लिए सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको प्रिंट करके स्टूडेंट को दे देना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि न्यू वीडियोज नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और दोस्तों कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप उनको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर जो है मैं ग्रुप में दे दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा जहाँ से आप ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।